नजरीन पठवाड़ डॉट कॉम की तरफों अस्सलाम वालेकुम। असा इस वक्त जी मौजा सकराना ना ढोक ही है कुंड उत्थे खड़े हैं जी। इत्थे तुसाई फार्म हाउस दसा जी इशराक कियानी है और अफाक कियानी है। नजरीन असा इस वक्त अकानी फार्म हाउस खड़े हैं जी। ये इन दोवां भरां दी बड़ी मेहनत है और इस मेहनत ने तुसां असां दसने भी हैं जी कि इत्थे पाकिस्तान माशाला रही तो भी इन्ना बड़ी इन्हें एफर्ट है कि जिसने काफ़ी सारे बंदे भी तुम तक सो के कम करने पे रोज़गार लगे हैं और एक तो इन्हों अपना शौक भी है जी। दूसरा बड़े मज़े हैं कि दुध का रहना जी गोश्त का रहना जी। दांद बड़े सोहने रखे ने मझी रखिया ने गईया रखिया ने बच्चे बैड़े जिन्हें कि आखने वह भी रखे ने जी। तो हम तुम दसने जी जिदा नजरी ने मकान भी दो बने पे जी और इन्होंने क्यानिया ने यह आखना है जी कि असा इतों ही कमाई की और इतने ही असा अपनी जी रैशगाह भी बनानी है पे जी। सहूलत भी मौजूद हैं इतने जी बिजली भी है इन्होंने को और जी मशीनरी है जे रिलेटिड इन्होंने चीज़ों नल के जी माल बच्चे वास्ते कुतरा भी करने पे जी। इन्हें माल है बच्चे की बनने वास्ते इन्हें मकान बनाए जी और बड़े प्यारा इतना सैटअप है कि इन्होंने ये आखना जी कि कच्चा इस मारे रखा कि गर्मिया और सर्दियाँ दोवों में असं कम मचना कि सर्दियों में जल्दी ही गर्म हो जाना और गर्मियों में अंदर इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं पैनी। इस वजह ना पुरानी तर्ज ने इन्हें बनाया जी माशाल्लाह जी बड़ा। अफाक साहब है जी माशाला जी काफ़ी इतने असं अच्छी खुशी हुई है कि असं बिल्कुल प्हाड़े नाल जरा ना खड़े हैं जी। ये खड भी है नज़दीक है और इसमें बाद जी दौदा कहानी बादशाह है वह भी नज़दीक हैं और सकराने मौजे में कुंड असं खड़े हैं। तो इन्होंने को पूछने जी कि कितना अरसा होया ने पहले ये दसन कि अरसा कितना होया कि फार्म शुरू किए। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हाँ पठवाड़ डॉट कॉम वाले ने साढ़े डेरे की रौनक बख्शी और इतना तशरीफ लिया इतने दूर दराज से। उस तो बाद ना जरा अलग कहानी डेरी इसने ना ना बस आए तकरीबन डेढ़ साल हुई है शुरू किया तो बस साड़ी जगह जी साड़ी जाती सी कि विरासती जमीन सी तो बिजनेस साड़ा जरा ना कराची है अस शोभा ना रिलेटेड ना लेकिन यह तक है कि जरा ना अपना इलाका कोई ना कोई जिसने भी होना चाहिए माशाल्लाह जी। क्यानी साहब सब तो बड़ी गलत खुशी ये हुई है कि तुसा इतना इतनी एफर्ट की है बड़ी एफर्ट है तुसा इतना सैटअप बनाया जी माशाल्लाह। और उसके बाद खुशी इस चीज़ ने होनी है कि जो माशाल्लाह अस रखने तुसा को काफ़ी बंदे जो कम करने वो अपने वास्ते तो अस करने ही करने सारे जी किसे वास्ते तो कोई कितने बंदे जी इस रोजगार ले गया इन्होंने तुसा ना अपना फायदा तो चलो है ही है इन्होंने शुक्र है बस चढ़ाना नॉर्मल ये एक सेटअप है इतना स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पर ही आसान है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है चलो जी ये मैंने बस माशाल्लाह जी मजियां भी तुसां ने बड़िया पसंद आईयां पसंद ओही होनी है जी कि कम अच्छा जड़ा है ना जी वो वैसे भी अच्छा ही होना
ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਦਿਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਸਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨੇ ਚੀਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਦੇਸਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਰੋਡਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਬਸ ਕਿ ਰੋਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੈਪ ਹੈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਤਰਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨਾ ਪੈਣਾ ਕੱਸ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਜਾ ਗੋ ਜਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਓ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸੋ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਸ਼ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੋਏ ਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਤੋਰ ਕੋ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਬਸ अच्छा ये दूध जेड़ा तुसा इथों ए इना ना होना ये किथे देने हो सर दूध सरस बशा साडे गाजी होटल आ साडे ग्रैन उना ना ज्यादा साडी जेड़ा ना सही दूध जाना रे ते बस ये मसला ही ऐसा के थोड़ा जे एरिया दूर आ ठीक है जा हुन से ऐसा शक्ल थोड़ी चेंज कर रहे हैं कि ऐसा दूध वाला माल कट करना जाने और ऐसा जेड़े गोश्ते वाला जिन जन आ रहे ना बछड़ी छछड़े के बकरियां ना ऐसा सेट अप था गोट्स जेड़ी हैं अच्छी नस्ल हैं चलो जी दांत भी तखने हैं माशाल्लाह दांत भी रखे हैं तुसने पीड़ां भी तखने रहने हैं जी दबाने होने दांत जी ये तो सकाफत इसे बड़ी और केड़ी होई सकनी जी ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਗਲ ਸ਼ੁਗਲ ਹੀ ਜਣਾ ਮਰ ਹਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਸਨੈਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਨੈਨ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਰਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਲੈਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆ ਕਰਾਚੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਲੋਈ ਪੇ ਇਹ ਦੋ ਜੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਚਲੋ ਕੁੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਪਕਾਇਆ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ
सर इसमें ग्रामी तो समा रबनौत क्यानी साहब माशाल्लाह तो आर्मी की जो खिदमात काफ़ी अच्छा तो फार्म हाउस क्या समझना कोई अच्छा काम है जो मंजिया ना गईया ना बेड़े दान या दुद्ध ना कारोबार बहुत बहुत अच्छा है। इसके बीच अल्लाह ताला का करम है कि इस इलाके और कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके बीच कुछ इन्हों लोगों का रोजगार खुले जिसके काफ़ी फैमिली एन फायदा उठा रही हैं। दुध इतने बहुत अच्छा खालस मिल रहा और काफ़ी अल्लाह ताला का करम है इसे बहुत फायदा है। नाले जमीन भी आबाद होनी जी जमीन भी आबाद सब तो बड़ा फायदा तो है जी जमीन गैर आबाद होनी सी छोड़ दी से बंजर हुई गई सी देखो फसल कितने बेहतरीन मक्का बैरे अगू कणक जौ लोग राने बिल्कुल जी सन नहीं कुरे तखी जी इंशाल्लाह करीब देखोगे स्टेप बाय स्टेप होगा तो बाकी अल्लाह ताला ना फजल है कितने तो काफ़ी जंगल से जंगल के मंगल बन गए जी जी अल्लाह ताला तो बहुत आसान हो गया बहुत मेहरबानी जी सुधार साहब बहुत अच्छा काम जरा ना अच्छी तुम रिटायर नहीं हो बल्कि कमें ही जारी रखे है जी जो जज्बा जिहाद है ना जी ये भी जिहाद ही बहुत नवाबिश कहनी साहब जेडे तुसां कम कर रहे हो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी कम है जेडे साडे भरा जेडे वेले फिरने पे माशाल्लाह उन्हां कोल सरमाए भी है उन्हां वास्ते क्या पैगाम दसो कि खाली ये नहीं कि एक डेयरी फार्म ही खोली देना इधर लोग माशाल्लाह काफ़ी अल्लाह ताला दी करमनवाजी है ऐसे अगर कम हो कि जिसने बिच साडी जेडी जनरेशन है जेडी पढ़ी लिखी भी है ते वेले फिरने हैं सर पैगाम यही है कि जिन्हों को इन्वेस्टमेंट है ही है अल्लाह ना फजला उन्होंने चाहिए कि इसै मिट्टी ना उन्होंने तलक है ठीक है जी अगर उन्होंने बसात न किसी घर नहीं रोजी लगी जानी तो मैं समझा सब सो जरा एक सदका जारिया भी आ और एक तो अपना उन्होंने अपना इसने मार्जन भी है ठीक है जी और सबसे बड़ी गल ये कि दो चार बंद नहीं रोजी लगी जानी यह नहीं कि यही प्रोजेक्ट सौ किस्म ने मनसूबे आने असं जरा इसने पर तवज्जो देनी चाहिए कि इस इलाका ही तौर पर असं जरा करी सके साढ़े जो यंगस्टर से या जो लोग गरीब लोग मिले उन्होंने कोई रोजगार का मौका मिली जाए सबसे बड़ी खिदमत यही है ठीक है रोजगार मिलती अगू उन्होंने बच्चे पढ़ जल्द पढ़ाई ना स्वाब जितना मिलना जी तक सब बड़ी अच्छी जी बड़ा अच्छी एफर्ट है तुम जी माशाल्लाह जी इसकी जारी रखे है जी फिर भी इंशाल्लाह तुम को चक्कर लाने रह सन जल्द कोई सैटअप आने पर थोड़ा और कर सर भी चक्कर जी नेचुरल इसकी लुक ही है ना प्लांटेशन वगैरह ना भी जरा जमीन जितनी गैर आबाद पी इन्हें भी आबाद होना चाहिए ना। बिल्कुल जी ट्रेंड बस एक ट्रेंड चलना चाहिए ना अल्लाह खैर करे ओ खाली ओ पता है क्या जी रोले पे जाने को दसया ने के सकराने में कोई आया जी तो जमीन ना इतने कुछ अगल कोई नहीं की नहीं, 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 सारे माशाल्लाह सारे थे जमींदार हैं और अपनी सारे जमीन इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बहुत मेहरबानी जी तुम को आए हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया जी इंशाल्लाह फिर चक्कर ला बड़ी मेहरबानी